नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं एशियन पत्रिका। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में लगी तीन मूर्तियां जो लगातार चर्चा का विषय बन रही हैं। यहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है? मामला है कि आज से चार दिन पहले AVVP और डूसू की एक गठजोड़ के साथ यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रतिमा लगती है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रतिमा लगाई गई है जिसमें कि सावरकर और भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तीनों की एक प्रतिमा है। सावरकर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के पैरेलली वहाँ पे उनको प्लेस किया गया है। हम यह मानते हैं कि जो देश का गौरवमय आज़ादी का इतिहास है वो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि एक तरफ तो गैर समझौतावादी धारा लगातार अंग्रेज़ों का दमन के खिलाफ संघर्ष चलाते हुए भगत सिंह और नेताजी ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दी, और दूसरी तरफ हम यही इतिहास में देखते हैं कि ये जो सावरकर को आज ये वीर की उपाधि देते हैं, आज वही सावरकर अंग्रेज़ों को 5 बार अपना मर्सी पिटीशन दे रहे हैं, एक माफ़ीनामा दे रहे हैं और घुटने देखते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, और वो इस तरीके से वचन दे रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए उनके वफादार रहेंगे और आज़ादी आंदोलन से पूरी तरीके से अपने आप को पीछे कर लेंगे। और इसी से खुश होकर अंग्रेज़ी हुकूमत उनको छोड़ देती है और उनको 60 रुपये सालाना पेंशन के रूप में उनको निर्धारित किया जाता है। तो इसमें स्पष्ट एक छवि सामने आ रही है कि आप किसको जहाँ देश का जो सौदा कर रहा है, जो गद्दार है, आज उनको आप अंग्रेज़ों के ये भगत सिंह और नेताजी से जैसे क्रांतिकारियों के पैरेलली आप उसको स्पेस दे रहे हैं। ये देश के शहीदों का घोर अपमान है, और हम अपने छात्र संगठन AIDSO और तमाम यहाँ मौजूद संगठन जो विभिन्न तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं और इसको तुरंत इसको हटाने की यहाँ पर मांग करते हैं। उसी को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर एक प्रतिवाद चला रहे हैं और यहाँ एक सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। तो क्या लगता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से स्टूडेंट्स में इतना आक्रोश है? देखिए, आक्रोश तो बनाया गया है। आज जहाँ पे एक जनवादी माहौल, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे तमाम तरीके की विचारधाराओं को अपने स्पेस रखने का एक मौका है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं कि बल प्रयोग करते हुए या सिर्फ एक पुलिस के दादागिरी के दम पे या प्रशासन की दादागिरी के दम पे यहाँ पे एक विपरीत विचारधारा, एक दूसरी कोई भी विचारधारा को स्पेस नहीं दिया जाता है, दमन किया जाता है, कुचल दिया जाता है, ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। ये पूरी तरीके से हम आज उसी दौर में जा रहे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ के खिलाफ में जब एक आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी जब बोलते थे और उन पे जो दमन किया जाता था, आज आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद वही स्थिति लौट के आ रही है कि सत्ता अपने गुरूर में अपने पुलिस का इस्तेमाल करके, आज अपने गुंडों का इस्तेमाल करके दूसरे तमाम मतों को दबाने का हर तरीके से प्रयास कर रही है, और वो जीत जागता उदाहरण हमने यहाँ देखा कि आज ये जो हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से एक अपनी बात को रख रहे हैं, वहाँ एक बड़ा हुजूम आता है पुलिस का और अपना बल प्रयोग कर रहा है और यहाँ पे ये चीज़ को हटा दे रहा है, फाड़ दे रहा है। आप सोचिए कि ये क्रांतिकारियों की तस्वीर को लगा के रखा है, इसको फाड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है और यहाँ पे बलपूर्वक हमारे साथियों को गिरफ्तार करके ले जा रहा है। ये कहाँ हमने गलती की, क्या गलत है, क्या अन्याय हमने किया है कि आप ये जो कर रहे हैं, जो लोग मतलब गैर प्रक्रियागत तरीके से बिना किसी अनुमति के आप यहाँ पे इसको अलाउ कर रहे हैं, यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मौन सहमति दे रहे हैं, और वहीं आप इसका विरोध करने वाली जो एक ताकत है, जो एक विचारधारा है, उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ लोकतंत्र है? किस में हम बोलते हैं कि कौन हंगामा मचा रहा है, हंगामा मचाने वाले कौन है, ये सवाल हमको करना है। अगर इससे छात्र समुदाय को राजनीति से बदनाम करने की कोशिश है कि भाई ये हंगामा होता है या ये करते हैं, कौन एलिमेंट है जो ये करते हैं और कौन है जो इनको शेयर दे रहा है, इस चीज़ को एक्सपोज करना, और इसमें खुले रूप से एक्सपोज हो गए ये आज उनने गुंडागर्दी करके हमारे ऊपर, ये खुद अपने आप के अपनी नज़रों में गिर गए कि आज देश के आज़ादी आंदोलन के महानायकों के लिए जो खड़े हैं, आज उनके ऊपर पुलिस का क्या रवैया है। तो ये घोर निंदनीय है। आज हमारे छात्रों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर बेबुनियाद धारा लगा के उनको बंद किया हुआ है, और इनके जैसे लोगों को, AVP के लोगों को यहाँ पे खुली छूट दी जा रही है, उनके साथ गले में हाथ डाल के यहाँ के पुलिस ऑफिसर घूम रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि ये दलाली है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। AVVP पे लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मूर्तियाँ उन्होंने इलीगली स्थापित की, और वहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो दो अलग अलग विचारधाराओं को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एशियन पत्रिका।